मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फरमान के बाद पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे थानों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इस क्रम में डीजीपी बुधवार को नवगछिया पहुंचे। नवगछिया स्टेशन उतरने के बाद टी शर्ट और पजामे पहने डीजीपी सबसे पहले पैदल नवगछिया टाउन थाना पहुंचे। उसके बाद महिला थाना और SC/ST थाना का निरीक्षण किया। तीनों थाने में स्टेशन डायरी पेंडिंग पाया गया। वहीं रंगरा थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी ड्यूटी से गायब थे। डीजीपी एक्शन लेते हुए थाना अध्यक्ष समेत पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। इसके बाद डीजीपी ने नवगछिया SP और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान DIG विकास वैभव भी मौजूद थे। जिला में वो निरीक्षण किया गया है कुछ थानों का, उसमें नवगछिया का जो आदर्श थाना है टाउन थाना उसका और रंगड़ा ओपी का, तो उसमें उन्होंने जो भी अभिलेख है उनकी समीक्षा भी की है, उनका अवलोकन किया है और उनके द्वारा जो लूट और डकैती के जो केस हैं या बाकी जो सेंसेशनल केस हैं जो गंभीर धाराओं में हुए हैं उसके संदर्भ में भी सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है और कैसे हम लोगों को जो रोड पे जो जैसे लूट हो रहा है या डकैती हो रहा है, मेनली जो कैश लूट की जो घटनाएं हैं उन पे कैसे हम लोगों को कंट्रोल करना है उस संदर्भ में भी दिशा निर्देश सरकार द्वारा दिए गए। बैठक के बाद DIG भागलपुर पहुंचे। भागलपुर में SSP कार्यालय में कई मामलों का रिव्यू किया और अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार लाने के निर्देश दिए। बहुत डिटेल, हम तो शराब का काम किए ही हैं, हम आज भी कर रहे हैं सर, लेकिन शराब बेचने वाला, शराब पीने वाला, शराब बेचवाने वाला जो भी है सब हमारे लिए। सर, एक थाना प्रभारी सस्पेंड होते हैं और दूसरे थाने में ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे में अपराध कैसे रुकेगी? ये जो सस्पेंड होंगे 6 महीना में उनका निष्पादन होगा, कड़ा दंड मिलेगा, ज्वाइन नहीं होगा। जिसके बाद DGP गुप्तेश्वर पांडे बांका के लिए रवाना हो गए। बांका पहुंचते ही पुलिस महकमे में हलचल मच गई। बांका पहुंचते ही DGP गुप्तेश्वर पांडे को गार्ड ऑफ ऑनर दी गई। उसके बाद DGP ने क्षेत्र की गतिविधियों की जानकारी ली और अवैध बालू खनन, शराब तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए DGP ने कहा कि दोषी बचेगा नहीं, निर्दोष फंसेगा नहीं। संपूर्ण पूरे बिहार में जा रहा हूँ, एक ही बात अपने SP लोगों से कर रहा हूँ, खानदान से कर रहा हूँ, अपराधियों को दौड़ाओ, अपराधी भागते नजर आने चाहिए, पुलिस दौड़ाते नजर आने चाहिए। मैंने टास्क दिया है 10 दिन में 15 दिन में इसका असर दिखाई पड़ेगा। बांका कोई एक्शन तो नहीं है ना सर? कोई एक्शन नहीं है, मैंने सबको जो अच्छे काम करने वाले हैं उनका मन बढ़ाया है, जो खराब काम करने वाले हैं उनको चिन्हित करके लाया था, उनको समझा दिया गया है। 15 दिन में आपको बांके में कल से आपको फर्क समझ में आएगा, लेकिन 15 दिन में मुझे उम्मीद है कुछ बढ़िया रिजल्ट आना। थैंक यू सर।